किसान भरावो सत श्री अकाल, स्वागत है नॉर्थ इंडियन फार्मिंग चैनल पर। अज की वीडियो आप झोने की फसल के संबंध में बना रहे हैं भी जो झोने पीएर 118 या पीएर 126 या डोगर फूसा पीला फूसा इन वरायटिया जो हल्दी रोग आता फल समट आता जो इस दिन मुंजर गटोलियां बनदियाँ उसनों आप किमें हल कर सकते हैं तो आपां सावधानियां रखनिया चाहीदियां इस दे संबंध में पूरी डिटेल में वीडियो बना रहे हैं तो पूरी जानकारी लिए वीडियो नूं खीर तक जरूर देखियो। हाँ जी दोस्तों, पहला आप इस बीमारी बारे देखते हैं भी ये बीमारी आउंदी किवें खेतां जदों मौसम सिल्ला चल रहा हो जदों झोना निसारा लै रहा हो तो आप लोड़ तो वध यूरिया पाई हो रूड़ी वगैरह की खाद वध पाई हो नहरी पानी ही उत्थे लगते होण लोड़ तो वध उन्हां खेतों में यह बीमारी आती है जां थोड़े खेत में पिछले साल बीमारी आई हो इस साल भी आ सकती है। बीमारी आने तो बाद इसका पक्का हल कोई नहीं, आने तो पहला कंट्रोल किया जा सकता जदों झोना गोभ भर रहा होवे कोई भी मुंजर बाहर ना निकली होवे ते इहदे उत्ते किहड़े किहड़े टैक्नीकल काम करदे उन्हां बारे आपां तुहाडे नाल जानकारी सांझी करन लगे हां। पर इन्हां किसे भी टैक्नीकल नूं किसे होर कैमिकल दे नाल ना रलाया जावे, कोई भी इस दे नाल इनसैक्टीसाइड कोई भी एनपीके नाल मिक्स ना कीता जावे, इन्हां दी कल्लियां दी स्प्रे होगी। नंबर एक ते आउंदा जी कॉपर ऑक्साइड 500 ग्राम, ते एक आ रहा कॉपर हाइड्रोक्साइड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब नाल 150 तो 200 लीटर पानी लाना। तो एक आ रहा जी ग्लीलियो वे, ये हैगा पॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस प्रोपीकोनाजोल, पर इसनों आप बासमती उत्ते नहीं कर सकते क्योंकि बासमती उत्ते बैन आ प्रोपीकोनाजोल का लग्या वा। तो इस दी मात्रा लेनी है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब नाल। ये मैं पिछले साल आपके खेत में करके देखा जी कि काफ़ी हद तक कंट्रोल करता भी 99% तक कंट्रोल करता जे आप सही स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं। तो जे तुसी ये नहीं लेना तो टेल्ट वाला साल्ट जिहड़ा प्रोपीकोनाजोल वह भी झोने उत्ते कर सकते हैं। बासमती उत्ते इसका बैन लग्या वा, पर इन्हां तिन्नां जिन्हां नूं जिहड़े भी टैक्नीकल आ तुसी ये कल्ले करने किसी दे नाल मिक्स नहीं करने, पानी लेना 150 तो 200 लीटर, तो जदों झोना गोभ भर रहा होवे उदों ही इन्हां दी स्प्रे करनी है। तो मुंजरां निकलन ते आपां नूं किसी भी टैक्नीकल दे कोई वधिया 100% रिजल्ट नहीं मिलते जे आपां गोभ विच सही तरीके नाल कंट्रोल करदे हां तां बीमारी नूं कंट्रोल कर सकदे हां। तो कुछ सावधानियां आपां नूं जरूर रखनियां चाहीदियां आउण वाले समें विच, सुक्का वाहन नूं पट्टो, यूरिया घट पाओ, तो जिहड़े खेत विच तुहाडे फल समट बीमारी आई होवे उस खेत का बीज ना रखो, पानी नूं अल्टरनेट विट ड्राइंग द्वारा लाओ भी एक बार पानी लाता जो पानी जीर गया उस तों बाद नवा पानी दो। तो जे अपनी आदत हुंदी है कि एक गैरे च लाया उहदे विच दी दूजे च लाता, जे थोड़ा खाल वगैरह वधिया प्रोपर तरीके नाल बनाया वा तां तुसीं इस तरीके नाल भी पानी ना लाओ कि एक क्यारे विच्चों दूजे क्यारे विच जावे, डायरैक्ट कल्ले कल्ले क्यारे दा पानी लगे तां वधिया आपां बीमारी नूं कंट्रोल कर सकदे हां। ते जे तुसीं अल्टरनेट विट ड्राइंग दे बारे पूरी जानकारी लेना चाहुंदे हां तां अपने चैनल दे वीडियो अपलोड होई वी आ, उत्थे जाके तुसीं देख सकदे हां। ते जदों भी तुसीं इह कॉपर बेस्ड स्प्रेयां करनियां, स्प्रे करन तों बाद तुसीं आपदे स्प्रे पंप नूं जरूर साफ करना। ते जिहड़ा ग्लीलियो वे टैक्निक स्प्रे आ रही है इह ये तुसीं प्रोपीकोनाजोल प्लस पॉक्सीस्ट्रोबिन ये किसी भी कंपनी का लै सकते हैं। तो मैं एक गल होर दसना चाहुंदा कि ये सीथ ब्लाइट ते भी काम करता, उन्हूं भी कंट्रोल करता फल समट दे नाल नाल, उन्हूं भी कंट्रोल करता, ये दो काम करता। तो इन दोवां तिना टैक्नीकलों विचों कोई भी एक टैक्नीकल लैके स्प्रे कर सकते हैं। तो जो थोड़ी फसल निसारा लै रही होवे उदों तुसीं नहरी पानी घट लाओ, जे लाउणे वी आ तां मोटरां दे पानी दे नाल रला के लाओ। तो जे थोड़े हर साल खेत में बीमारी आ रही है नहीं कंट्रोल हो रही तो तुसीं वरायटी चेंज करके लाओ। तो बाकी वीडियो नूं वध तो वध होर किसान भरावां नाल सांझी जरूर कर दिया करो। तो वीडियो देखने लई तुहाडा साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो विच दित्ती जानकारी चंगी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। सत श्री अकाल।